हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर हमारी ऑटो के इंजन की क्रैंक टूट जाती है, वो किस वजह से क्रैंक टूटती है, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि मोस्टली क्रैंक कहाँ से टूटती है और क्रैंक टूटने का रीज़न क्या होता है। तो बने रही भाई आप वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, ये BS3 गाड़ी का इंजन है, जो कि फ्रंट इंजन में गाड़ी आती है, ऐसी गाड़ी उसमें ये इंजन आता भाई। और इस गाड़ी की क्रैंक टूट चुकी है। तो हमारी गाड़ी की क्रैंक क्यों टूटती है भाई? मोस्टली गाड़ी की क्रैंक टूटने का दो ही रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये कि अगर आपके ब्लॉक की गैलरियों में अच्छे से तेल सप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, हमारे अगर ब्लॉक की जो गैलरियाँ होती हैं, देखो ये गैलरी होती है, जैसे ये बुस के अंदर ये सुराख रहे गैलरी, इस ब्लॉक के अंदर पूरे में तेल सप्लाई होगा। अगर कहीं से भी सप्लाई रुकेगी और उस सप्लाई क्रैंक के अंदर तक नहीं जाएगी, यहाँ पर सुराख होता क्रैंक के अंदर, देखो इनमें कचरा आने की वजह से आपकी क्रैंक या तो सीज मारेगी या फिर टूट जाएगी। और दूसरा रीज़न ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी की ठोकर ज़्यादा, जैसे टिक टिक की आवाज़ ज़्यादा नहीं हो जाती है, टिक 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 टिक, जैसे इंजन की आवाज़ हम स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह, दिन में भी हम देखें एक बार आवाज़ को सुनना, जैसे आवाज़ होगी टिक 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 टिक, अगर ठोकर ज़्यादा होगी, वो ठोकर क्या करेगी, ठोकर केम के ऊपर चलेगी। और वो ठोकर कौन सी होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा प्लंजर होता भाई, यहाँ ठोकर चलेगी, वो यहाँ पर पंप सेट होगा, पंप के अंदर ठोकर डलती है। देखो ये ठोकर रही, जो ये देखो ये रही ठोकर, देखो ये ठोकर अगर एडवांस ज़्यादा होगी, ठोकर क्रैंक पर चलेगी, जिसकी वजह से देखो ये ठोकर ऐसे चलेगी भाई, ऐसे क्रैंक के ऊपर चलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडवांस हो जाएगी और एडवांस ठोकर क्या करेगी, क्रैंक तोड़ेगी। तो आपने जब भी अपनी गाड़ियाँ काम करवाएं, अच्छे तरीके से ब्लॉक को साफ करवा लें और जेन्युइन कंपनी का ऑयल यूज करना है, और अपनी गाड़ी की ठोकर को ना तो एडवांस रखना ना रिटायर रखना। जितनी गाड़ी ठोकर लेती उतनी ही गाड़ी को ठोकर देनी है, इससे क्या होगा, आपकी क्रैंक टूटने की समस्या कभी नहीं आएगी। तो ऐसे ही ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहे। कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सॉल्यूशन किया जाएगा।